हेलो एवरीवन, वेरी वार्म मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स एज वेल एज यू ऑल रिमेंबर देयर इज गोइंग ऑन रिवीजन वर्क, एंड इन रिवीजन वी आर टेकिंग द चैप्टर टू. ओके, चैप्टर टू इज गोइंग ऑन पैंग्यूप्रिटेंस. ओके स्टूडेंट्स, एंड वी हैव द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. सो पेज नंबर स्टूडेंट्स, वी हैव पेज नंबर 19. ओके, सो ऑल ऑफ यू लेट्स टेक आउट योर इंग्लिश कोर्स बुक एंड ओपन द पेज नंबर 19 देयर. सब लोग ओपन कर लीजिए पेज नंबर 19. कर लिया सब लोगों ने ओपन? ओके फाइन. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव आवर टुडेज टॉपिक अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स. कौन सी टॉपिक है? बिल्डिंग ब्लॉक्स. एंड इन बिल्डिंग ब्लॉक्स वी विल रीड अबाउट टुडे नाउन्स. सो स्टार्ट टू रीड. इमेजिन इफ यू डिडंट हैव नेम्स, व्हाट वुड we call each other are the things around us. That's why everything has a name. Okay students, यहाँ देखिए, imagine if we didn't have names. Means students, आप imagine कर सकते हैं, suppose कर सकते हैं. Means अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी things है, अगर वो without name है, then what happen? What would we call each other are the things around us. Okay, तो हम अगर किसी भी थिंग्स के नेम नहीं होंगे तो हम उन सारे थिंग्स को क्या कॉल करेंगे? ठीक है ना, द थिंग्स अराउंड अस, जो भी थिंग्स, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, अगर उनके नेम नहीं होंगे तो हम उनको किस नेम से कॉल करेंगे? दैट्स वाई एवरी थिंग हैज़ अ नेम. इसलिए जो भी थिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सबके क्या होते हैं? सबके एक नेम होते हैं. ठीक है ना, सारे एक नेम के साथ होते हैं, सबकी एक नेम होती है. Start. These names for people, places, animals and things are called naming words or nouns. और ये जो names होते हैं वो किसके name होते हैं? Surrounding जो हमारे चारों तरफ हैं, people के name होंगे, places के name होंगे, animals के name होंगे and things के name होंगे, are called naming words. ये सारे जो हैं naming words कहलाते हैं, और noun, और noun भी कहलाते हैं. ठीक है, read these sentences. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ sentences दिए गए हैं जिसको आपको रीड करना है. लास्ट वीक पैंग्यू प्रिटेंड टू गो टू पेरिस टू सी द एफिल टावर. ओके, इन पेरिस पैंग्यू मीट्स अ पैराकीट एंड पेलिकॉन. नेक्स्ट है, दे डिसाइड टू पैडल अक्रॉस द पॉन्ड इन अ पैडल बोट. अब देखिए इसमें क्या है. इन दिस सेंटेंसेज, मीन्स ये आपकी जो सेंटेंसेज थी थ्री लाइन की, इसमें पेंग्यू इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. यस, ये जो पेंगू है वो इवन ये एक एनिमल्स का नेम है, बट ये एक पर्टिकुलर एनिमल का नेम है. ठीक है ना, पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. ठीक है, ये नेक्स्ट आपका है, पेरिस एंड एफिल टावर आर नेम ऑफ द पर्टिकुलर प्लेसेस. और ये जो पेरिस है, जो पेरिस नेम आया इन पेरिस, और ये जो एफिल टावर आया है, ये दोनों जो हैं वो किस टाइप के नेम हैं? ये पर्टिकुलर प्लेसेस के नेम हैं. किसके नेम हैं? प्लेसेस के नेम हैं. नेक्स्ट, पैराकीट एंड पेलिकॉन आर कॉमन एनिमल हैव आर दैट हैव अ नेम. पैराकीट और पेलिकॉन जो हैं वो क्या हैं? वो एक एनिमल है, कॉमन एनिमल है. ठीक है ना, नेक्स्ट, पॉन्ड पैडल बोट और कॉमन थिंग्स दैट हैव नेम्स. और इस तरह से ये जो भी कॉमन थिंग्स हैं, जैसे बोट है, पैडल है, पॉन्ड है, इन सबों के भी सबके कुछ ना कुछ नेम हैं. ठीक है, तो जो भी थिंग्स हमारे अराउंडिंग में आस पास हैं, सबके नेम होते हैं. अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइजेस दिए गए हैं. लेट्स ट्राई फाइव. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड सर्कल द नाउन्स. आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को केयरफुली रीड करना है, और जो भी इसमें नाउन्स होंगे उनको सर्कल करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, पेंग्यू, हाउस, ईट, डॉग, इंडिया, ग्रीटी, प्रिटेन, पॉन, कार, इंग्लिश, थिंग, स्कर्टेन, साइनी एंड संडे. तो आपको क्या इसमें सर्कल करना है, वी हैव टू सर्कल ऑल द नाउन्स, मीन्स नेमिंग वर्ड, लाइक पीपल नेम, पर्सन नेम, एनिमल्स नेम, थिंग्स नेम. तो पीपल नेम देखिए, यहाँ पे पेंग्यू है, ये भी एक नेम है, पेंग्यू है ना, ये एक नेम है, तो इसको सर्कल करेंगे. हाउस है, प्लेस है, इसको सर्कल करेंगे. ईट आपका ये रॉन्ग होगा, ईट आपका वर्ब है, इसको हम क्रॉस करेंगे. एंड डॉग इज योर एनिमल नेम, इट विल बी ऑल्सो सर्कल. ओके, इंडिया विल बी ऑल्सो इन सर्कल. एंड ग्रीडी आपका है, ये एडजेक्टिव है, इसको हम क्रॉस करेंगे. प्रिटेंड जो है वो भी आपका वर्ब है, इसको भी हम क्रॉस करेंगे.
पॉन्ड आपका प्लेस है, इसको इसको आप राइट करेंगे। कार जो है ये थिंग्स है, ये भी आपका सर्कल होगा। इंग्लिश आपका ये सब्जेक्ट है, ये भी सर्कल होगा। थिंक आपका वर्ब है, इसको क्रॉस करेंगे। कॉटन थिंग है, सर्कल करेंगे। साइनी जो है वो आपका एडजेक्टिव है, इसको सर्कल कर इसको क्रॉस करेंगे। संडे जो है वो आपका नेमिंग वर्ड में है, क्योंकि डेज ऑफ द वीक नेम है। ठीक है, तो इतने सारे वर्ड्स को आपको क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, देखिए पेंगू सर्कल, हाउस सर्कल, डॉग सर्कल, इंडिया सर्कल, इन सर्कल, कार, इंग्लिश, कर्टन एंड संडे, दिस ऑल आर इन सर्कल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड इन द टाइप्स ऑफ नाउन टुडे वी विल रीड अबाउट टू टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, लेट्स डिस्कस कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। ठीक है, नाउन्स तो बहुत ही नाउन्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाउन होते हैं, नाउन होते हैं टाइप्स के। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाउन होते हैं, बट आज हमें ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में रीड करना है, जो कि हमारा फर्स्ट है कॉमन नाउन, सेकेंड है प्रॉपर नाउन। हैव अ लुक एट द सेंटेंस, नाउ वी हैव टू सी द सेंटेंसेस। हियर आर सॉरी दिस इज अ बॉय, हिज नेम इज रोहित। देखिए दिस इज अ बॉय, हिज नेम इज रोहित। कम ऑन नेक्स्ट, हेयर बॉय एंड रोहित आर बोथ नाउन। यहाँ देखिए बॉय रेड से हाईलाइटेड है, रोहित भी आपका रेड से हाईलाइटेड है। ये बॉय और रोहित दोनों हैं, दोनों क्या हैं, दोनों नाउन हैं। ठीक है, दोनों ही नाउन हैं, बट बॉय इज अ नेम ऑफ ऑल बॉयज। बट यहाँ जो बॉय जो नेम है वो किसी भी बॉय का नेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बॉय का नेम तो दिया नहीं है, राम श्याम, रोहन सुमन ऐसा तो दिया नहीं है, वो बॉय दिया है। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, जनरली वर्ड्स होते हैं, वो हमारे कॉमन वर्ड होते हैं या कॉमन नाउन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉय जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। देखिए इट इज़ अ कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन है। और नेक्स्ट आपका ये जो रोहित है, चलिए इसको हम लोग पेज नंबर 20 में देख लेते हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 20 में आप लोगों को शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पेज नंबर 20, रोहित इज़ द स्पेशल नेम ऑफ पर्टिकुलर बॉय। अभी आपका रोहित जो सेकेंड नेम था वो क्या है, एक स्पेशल पर्टिकुलर बॉय का नेम है। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है। दीज स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, और ये जो स्पेशल नेम होते हैं, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। ऑल प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और जो भी प्रॉपर नाउन आपके होते हैं वो हमेशा ऑलवेज दे स्टार्ट विद अ कैपिटल, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। और कॉमन नाउन में आपके जो वर्ड्स होते हैं वो यूजुअली स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, स्टार्ट कॉमन नाउन्स आर नेम्स गिवन इन कॉमन कॉमन टू ऑल पीपल प्लेसेज एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। कॉमन नाउन में जो भी नेम दिए गए हैं वो ऑल पीपल के लिए होते हैं, ऑल प्लेसेज, फॉर ऑल एनिमल, फॉर ऑल थिंग्स, ओके, सेम काइंड की थिंग्स के लिए होते हैं। अब प्रॉपर नाउन में जो होते हैं, प्रॉपर नाउन्स आर नेम ऑफ द पर्टिकुलर पीपल प्लेसेज एनिमल आर थिंग। प्रॉपर नाउन में जो पर्टिकुलर पीपल होते हैं, एनिमल होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनके नेम को हम राइट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हमारे पास एग्जाम्पल और भी हैं जिसको हम यहाँ देखते हैं। चलिए यहाँ से देखें, वर्ड्स लाइक बॉय, वुमेन, मदर, सन, अंकल, डॉक्टर आर कॉमन नाउन। वर्ड्स लाइक माधव, रहीम, रॉबर्ट, मिस्टर मेनन, मिसेस पाटिल आर प्रॉपर नाउन। देखिए यहाँ जो भी प्रॉपर नाउन है, देखिए सबका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में है, यहाँ पे स्पेसिफिक है, पर्टिकुलरिटी है, पर्टिकुलर है ना माधव, यहाँ एक पर्टिकुलर बॉय का नेम है, रहीम भी पर्टिकुलर बॉय का नेम है, रॉबर्ट भी पर्टिकुलर बॉय का नेम है, मिस्टर मेनन भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, अ वर्ड लाइक सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। सिटी जो है वो कॉमन नाउन है, कैसे, क्योंकि ये जो सारी सिटीज़ के लिए हो सकता है, कोई भी सिटी हो सकता है, किसी स्पेसिफिक सिटी के बारे में तो बताया नहीं गया है, बट नागपुर, नागपुर जो है वो स्पेसिफिक प्लेस है, जगह है, प्रॉपर नाउन में हो, क्योंकि इट इज़ अ नेम ऑफ अ वन पर्टिकुलर सिटी, क्योंकि नागपुर जो है वो एक सिटी, एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिमिलरली कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन वाइल चाइना इज़ अ प्रॉपर नाउन। कंट्री जो है वो कॉमन नाउन होगी और जो चाइना है वो आपका प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, कम ऑन नेक्स्ट, सम पेट एनिमल्स हैव स्पेशल नेम लाइक जिमी, टॉमी, किटी, दीज नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। मीन्स कुछ पीपल होते हैं जो
कुछ पेट एनिमल्स रखते हैं तो उनके भी कुछ स्पेशल नेम रखते हैं लाइक टिमी, टॉमी, किटी, तो ये सारे नेम भी प्रॉपर नाउन में ही आते हैं और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स इन कॉमन नाउन इन प्रॉपर नाउन। फर्स्ट, फेस्टिवल, होली, क्रिसमस, ईद, गुरुपुरब इन प्रॉपर नाउन। मंथ, देयर कैन बी नेम ऑफ एनी मंथ, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एनी मंथ। डे, कोई भी डे हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे। लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानी, ओके, कोई भी लैंग्वेज आपका प्रॉपर नाउन हो सकता है। मोनूमेंट, रेड फोर्ट, ताजमहल, चार मीनार, कोई भी आप राइट कर सकते हो। रिवर, सी, माउंटेन, लेक, गंगा, अरेबियन सी, हिमालय, ओके, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन होंगे। बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, द रामायण, मालगुड़ी डेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, ये सारे आपके प्रॉपर नाउन में होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस आर योर टुडेज एक्सप्लेनेशन अबाउट कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। होप स्टूडेंट्स यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड नाउ देयर आर गिवन एक्सरसाइज विच इज़ अबाउट द लेटर आई सिक्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सारे पैसेजेस को रीड करेंगे अच्छे से और इसमें जो भी आपके कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन होंगे उसको आप फाइंड आउट करके उसको राइट करेंगे अपने बुक में। ओके, एंड आई ऑल्सो मेक यू हेल्प अबाउट दिस एक्सरसाइज द नेक्स्ट डे। वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स कीप योर रिविजन वर्क प्रॉपरली। सब लोग अच्छे से अपनी रिविजन वर्क कीजिए, ओके, फॉर यू हैव अर्ली एग्जाम। नाउ नेक्स्ट डे वी विल रिवाइज अबाउट द नेक्स्ट पेज आर टॉपिक। सो नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।